चार राज्यों के नतीजे आने के बाद विधानसभा चुनाव के कल इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। कयासें लगाई जा रही हैं कि जिस तरह मध्य प्रदेश में रार खड़ी हुई है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच, अखिलेश यादव उसमें शामिल नहीं होंगे, रामगोपाल यादव प्रतिनिधित्व करने जाएंगे समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ जिस तरह तल्खियाँ बढ़ी थी मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव हो सकता है बैठक में शामिल ना हो, इसी तरह बाकी और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण दल हैं जिसका सीधे उत्तर प्रदेश से तारुक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इंडिया अलायंस गठबंधन है टोटल रूप से ये फेलियर साबित हुआ। अभी जो जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उन राज्यों के परिणाम ने भी बता दिया कि इंडिया अलायंस गठबंधन पे जनता को कहीं कोई भरोसा नहीं। शुरुआत से ही उनके वहाँ उसमें आपस में खींचतान है, आपस में नुरा कुश्ती चल रही है, ये साफ दर्शाता है कि इंडिया अलायंस धरातल पे कहीं उसकी स्वीकारता नहीं है। और उन जो अलायंस के विपक्ष के जो दल हैं जो आपस में गठबंधन बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उन दलों का भी आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एक और अहम सवाल है आपके विभाग से ही जुड़ा हुआ कि कुछ जांच चल रही है, जांच शुरू होगी उन मदरसों की भी जिनको एड दिया जाता है, यानी सरकार से मदद दी जाती है। ये एक बड़े वृहद प्रक्रिया शुरू हुई है बड़े स्तर पर, फंडिंग्स को लेकर, उनके आय को लेकर, उनके स्रोत को लेकर। नहीं, कहीं कोई जाँच नहीं चल रही है। हमारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रेगुलर रूप से अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार जो है अपग्रेडेशन का काम करता है। निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है और अल्पसंख्यक छात्रों को अच्छी एजुकेशन व्यवस्था देने के लिए तमाम हम ईमानदारी से काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद अंसारी थे जो बता रहे थे कि इंडिया अलायंस जो है गठबंधन है वो उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच की बात जहां तक सामने आई है उसमें उनका कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लगातार इस तरह की समीक्षाएं करता रहता है जिससे जो अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए छात्र हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिल पाए। कैमरामैन दीपू के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।